ripping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm... Assalamualaikum friends, my name is Azan and you're watching C-Tech. So friends, as you're going, it's a big creep. And as you're going, it's बारबेक्यू वगैरह लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, इन्जॉय करते हैं। और आज मैं आपके लिए ईद और बारबेक्यू के रिलेटेड एक चीज़ की वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि है एक ग्रिल की वीडियो। और ये मेरी बैक साइड में मौजूद है एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ग्रिल, और इसके अंदर अगर आप स्टेक्स वगैरह बनाना चाहें तो काफ़ी ईजिली काफ़ी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसमें चंद चीज़ें हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आज मैं आपको ये चीज़ें सभी कुछ दिखाऊंगा। इसके अलावा इसकी जो प्राइसिंग वगैरह है उसके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता चल सके किस रेंज में किस तरह की ग्रिल आती है ये। तो इसमें मैं गुजरांवाला अल्फता पर मौजूद हूँ, जो कि प्रिज्मा मॉल में है, तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग वगैरह मैं आपको बता दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं आपके सामने मौजूद है बारबेक्यू ग्रिल, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ग्रिल है। मैं आपको इसका मटेरियल वगैरह सभी कुछ दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी नीचे वाली तरफ से। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकी खास चीज़ ये है कि इसके अंदर हमें टायर्स मिलते हैं, दो टायर्स हैं और दो जो है इसके जस्ट स्टैंड्स हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम इसको ऐसे खड़ी रखेंगे, मतलब खड़ा करके रखेंगे, तो अगर हम इसकी थोड़ी बहुत अगर ऊपर से हिलती भी है ग्रिल, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी इसकी। अगर चार टायर्स होते तो इसकी मूवमेंट होनी थी, तो जब हमने इसको इधर उधर करना हो तो हम जस्ट दूसरी साइड से उठा के तो इसको हम इधर उधर कर सकते हैं। तो नीचे वाली तरफ हमें ये एक ग्रिल टाइप मिलती है, यहाँ पर हम अपना कोई सामान वगैरह रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, आपको देखने में शायद ये ब्रीक लग रही हो, लेकिन ये उतनी ब्रीक नहीं है जितनी देखने में लग रही है, अच्छी क्वालिटी की है। ठीक है, एक ये चीज़ होगी। इसके अलावा ये जो पाइपिंग शाइपिंग है ना इसकी भी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी सॉलिड है ये। और साइड में यहाँ पे हमें कुछ दो प्लेट्स मिलती हैं, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी प्रोटेक्शन प्लेट्स हैं एक्चुअली, इसको मज़बूती से पकड़े रखने के लिए। और काफ़ी अच्छी है ये इसकी भी क्वालिटी वाइज, तो क्वालिटी इसकी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। तो इसके बाद आ जाते हैं ऊपर वाली तरफ। तो आप देख सकते हैं इसके ऐसे राउंड जो लेग्स हैं वो बनाई गई हैं, और नीचे वाली तरफ वहाँ पर रबर्स ग्रिप भी लगाई गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, तो अब ऊपर वाली तरफ हम आते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसका बाहर से ओवरव्यू दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये राउंडी शेप में आती है, सिलेंड्रिकल शेप है एक्चुअली इसकी। तो यहाँ पर है इसका एक हैंडल, जो कि वुडन हैंडल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लोहा लगा हुआ है, और उसके बाद ये इसके दोनों तरफ वुड के जो पीसेज हैं, लकड़ी के जो पीस हैं, वो लगाए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दो स्क्रूज़ हैं, दो पेच हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी पेच लगाया गया है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, काफ़ी अच्छा मटीरियल है इसका, तो आपको मैं साथ साथ क्वालिटी के बारे में बताता जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक छोटी सी शेल्फ टाइप मिलती है, जो कि मटीरियल लोहे की है। आपको इसकी जो ऑडियो से इसकी आवाज़ से आइडिया हो रहा होगा, तो ये लोहे की जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं लकड़ी की बनी हुई है। और नीचे वाली तरफ भी आप देख सकते हैं ये लोहे की जो एंगल्स टाइप हैं वो लगाई गई हैं। तो यहाँ से फिर ये आप देख सकते हैं स्क्रू उसके साथ अटैच है, ठीक है। तो ये कुछ है इस साइड पर। और अगर बैक साइड की बात करें तो इसकी बैक साइड बिल्कुल प्लेन है, बाकी पीछे सारा कुछ जैसे आगे था वैसा ही है, और जस्ट फ्रंट साइड पे हैंडल है और बैक साइड पे नहीं है, ये डिफरेंस है। इसके अलावा ये एक टेम्परेचर मीटर आप देख सकते हैं, ये आई थिंक टाइट होने वाला है या फिर जस्ट ऐसे ही रहेगा। तो ये टेम्परेचर मीटर है, ये जैसे ही हम अंदर इसके कोयले वगैरह रखेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ से बताना शुरू कर देगा कि अभी क्या टेम्परेचर है इसका, और हम उस हिसाब से जो टेम्परेचर है वो मेनटेन रख सकते हैं। तो टेम्परेचर गेज देखे काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। और ऊपर वाली तरफ अगर बात करें, ये आप देख सकते हैं इसके जो स्मोक वगैरह के लिए बनाया गया है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसको जब साइड पर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका धुआं वगैरह सारा कुछ इतने से सिर्फ एक पाइप के थ्रू ऊपर जाएगा, ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो ये कुछ है, अब इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करते ही आप देखेंगे इसकी जो लुक है वो एंटायरली डिफरेंट हो जाएगी। अब ये है बीच में जो मैंने आपको दिखाया था, जो मीटर लगा हुआ है इसका वो चीज़। और उसके बाद अब ये जो होल है, जैसे मैंने आपको दिखाया था जो पाइप है इसके स्मोक के लिए, इसका स्मोक पाइप निकालने के लिए वो है।
और अब आ जाते हैं अपने ग्रिल की तरफ, तो ये आप देखेंगे। अच्छा, इसका जो कंपनी वगैरह की बात करें ना, ये कोई लोकल ही, मतलब इनकी ब्रांडिंग वगैरह कोई नहीं है। वैसे 2071 इसका मॉडल है, ठीक है। तो ये है इसकी एक छोटी सी क्विक स्टार्ट गाइड, ये वाकई क्विक स्टार्ट है। तो यहाँ पर इसके बताया गया है, ये चिमनी है इसकी बताया गया है, और इसके अलावा लीड है इसका ये, और वार्मिंग रैक है इसका, चारकोल ग्रिड है, इसके अलावा गर्ल बेस, ग्रिल बेस लिख रहा था इन्होंने, गर्ल बेस लिखा हुआ है। अच्छा जी, साइड टेबल है, लॉन्ग लेग है इसकी, और फ्रंट लेफ्ट लेग, एक्सल व्हील, और इसके अलावा थर्मामीटर आप देख सकते हैं, ग्रिल लिड हैंडल, कुकिंग ग्रिड, और चारकोल गेट एडजस्टर्स, एयर वेंट लेग, और फायर बॉक्स स्पॉट, और इसके अलावा बैक लेफ्ट लेग और बॉटम रैक। अच्छा, तो यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल्स हैं, इसको किस तरह से लगाना है, ये वो, इसकी सभी इंस्ट्रक्शंस वगैरह, ये आपने इसको लाजमी रीड आउट करना है। अच्छा, तो इसको रखते हैं साइड पर, जो इसके साथ एक टेबल टाइप, इसकी शेल्फ टाइप दी गई है। अच्छा, तो अभी आप देखेंगे कि इसके ऊपर दो रैक्स हैं, एक ये है और एक नीचे वाली तरफ, ये बड़े साइज़ में आती है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जैसे आप देखेंगे मैं इसको फोल्ड करूँगा, ये भी इसके साथ ही, ये आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे हम अपने जो स्टिक्स वगैरह हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। हम कुछ भी यहाँ पे फ़िश वगैरह, चाहे चिकन रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जो भी हमने ग्रिल करना हो, ठीक है। मतलब आगे से मटन बीफ वगैरह के पीसेस वगैरह हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब नीचे वाली तरफ आ जाएँ, तो इसकी, अच्छा पहले इसकी क्वालिटी भी दिखा दूँ, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉलिड है। तो नीचे वाली तरफ ये आप देख सकते हैं, ये इसके साथ हमें दो ग्रिल्स मिलती हैं, और ये काफ़ी थिक वायर्स यूज़ की गई हैं इसके साथ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, काफ़ी अच्छी हंसी है, थिक है, हैवी भी हैं। तो ये हैं दो, ठीक है, हम इनको सेपरेटली उठा सकते हैं। तो इसके अलावा एक जो अब मुझे चीज़ इसकी काफ़ी अच्छी लगी, वो ये लगी कि इसको मैं साइड पर रख के दिखाता हूँ आपको। अच्छा, एक तो ये इसका जो वेंटिलेशन है, ठीक है, हम इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, मैं वो बाहर से दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसके अंदर वाली तरफ देखते हैं, तो यहाँ भी हम कोयले रखेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर हम जो जब कोयले रखेंगे, तो जैसे छोटे छोटे होंगे या फिर जो वेस्ट होगा सारा, वो इसके नीचे चला जाएगा, और नीचे भी आप देख सकते हैं इसकी अच्छी खासी स्पेस मौजूद है ऐसे अराउंड ही। तो यहाँ पर हम रखेंगे कोयले, और इसकी क्वालिटी की बात करें, ये भी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। अच्छा, अब इसमें भी एक ख़ास चीज़ है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, वो ये है कि ये आप देख सकते हैं इसके साइड पे ये कुछ स्टेप्स हैं, हम इसको ऐसे उठा के तो हम इसको ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी। यहाँ से ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं इस वक्त नीचे हो चुका है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि कम हीट पे, मतलब हल्की आँच पर पकाना चाहते हैं, तो अब इसको नीचे कर देंगे हम। तो ये इस वक्त सबसे नीचे है, दोनों साइड से होकर फिर इक्वली हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त फुल नीचे है, और ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये फुल ऊपर है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, आप इसको ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसको हम वापस रख देते हैं। इसके अलावा अगर इसकी जो टोटल जो गेज है, इसकी क्वालिटी के बारे में बात करें, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। ये जो इसका मटेरियल है, ये टोटली मैट यूज़ किया गया है, प्लेन नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर कोई डेंट शेंट पड़ेंगे, बल्कि ये काफ़ी अच्छा इसका मटेरियल इसके साथ इसके ऊपर लगाया गया है। ये आपको फील हो भी रहा होगा, ये मैट मटेरियल है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो इसकी प्राइस के बारे में अगर बात करें, तो इसकी जो प्राइस है ना, 39,900 रुपये, मतलब 100 रुपये कम, 40,000। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो प्राइस है ये आज की प्राइस है, कोई पता नहीं इसकी कल प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, तो उस चीज़ की मैं गारंटी नहीं कर सकता। बट स्टिल इसकी जो प्राइस है ना, 39,900 रुपये, मतलब आलमोस्ट 40,000 रुपीज़ इसकी अलफ़ता पे प्राइस है। तो यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।